हेलो एवरीबॉडी हाउ आर यू ऑल आई होप ईच ईचन ऑफ इज फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़ सो ये है आई पी एस क्लर्क का प्रिलिम्स का लाइव मॉक टेस्ट जो कि बोर्ड पर अवेलेबल है तो आप लोग भी देना मैंने तो इसे अटैम कर लिया है एंड ये आपका पंद्रह अगस्त की तो रहेगा यानी कि कल तक है एंड सभी को पता है कल है हमारा इंडिपेंडेंस डे तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड स्कोर uh, की बात करते तो मेरा कुछ खास नहीं रहा ठीक है इसमें और मॉक मेरा बिल्कुल मतलब इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है बंटे ही धार हो गया उसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं आता ऐसे बिगिनर के स्कोर्स नहीं होते वैसा लग रहा है मुझे देख के एंड इसमें मैंने टाइम दिया है एक सेकेंड मैंने इसमें दिए थे ट्वेल्व ट्वेल्व मिनट के अराउंड ठीक है और उसमें से मैंने पैराजंबल की पाँच क्वेश्चन वो स्किप कर दिए ठीक है नहीं किए मैं मुझे नहीं समझ में आ रहा था बाकी मैंने जो क्वेश्चंस किए तो आप देख सकते हो उसमें कितनी अच्छी एक्यूरेसी मेरी रही है एंड बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा भी नहीं था कि पेपर में जैसा कि काफ़ी लोग बोल सकते हैं कितना कम टाइम दिया हो सकता है इस वजह से एक्यूरेसी दिक्कत कर गई हो बट आप दोगे अटम्प करोगे तो उसमें देखोगे जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हैं फिलर्स के हैं वो बहुत छोटे छोटे मतलब वन लाइनर के थे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे मुझे ऐसा नहीं लगा तो बस मैंने जल्दी जल्दी मुझे लगा तो मैं करती गई बस मुझे फ्रेज़ रिप्लेसमेंट वाले थोड़े से ट्रिकी लग रहे थे क्योंकि उसमें एक के बजाय मतलब दो दो ऑप्शन लग रहे थे कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है तो मैट um, भी मतलब वो गलत हो गए हो तो रिज़ल्ट अभी कल ही आएगा सात बजे के बाद ही पता चलेगा कि कहाँ पे क्या एक्यूरेसी प्रॉब्लम कर गई इतने ज़्यादा गलत होना मतलब एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत दे सकते हैं तो अभी सबसे ज़्यादा वर्क करना है मुझे इस पर सब गड़बड़ हो गया है एंड कौन में मैंने ट्वेंटी नाइन किए थे इसमें से इसमें भी दो क्वेश्चन रॉन्ग हो गए एंड रीजनिंग एज यूजल जो मेरा रहता है थर्टी फाइव ऑड ओ थर्टी फाइव एंड फोर्टी ऑड फोर्टी फाइव मेरा रहता है वो सही चला गया है बट इन दोनों का थोड़ा सा मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा मुझे इंग्लिश को लेकर अब डर लग रहा है कि ये क्या हो गया ठीक है तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की नीड पड़ेगी मुझे लग रहा है या फिर पता नहीं मॉक किया था तो क्या था आप लोग देना तो मुझे बताना कि क्या चीज़ इसमें रही थी ठीक है अटैम्प जरूर कीजिएगा और अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपने नहीं दिया है तो आप देकर बताना लेकिन बताना जरूर एंड जिन लोगों ने दे दिया है तो आप ज़रूर साथ ही साथ मतलब सेक्शनल भी बताएगा ये नहीं कि आपने टोटल बता दिया सारे बताइएगा इंग्लिश रीजनिंग कौन टोटल मिला के कितने हैं आपके और इस सेक्शन में आपने आ, कितने स्कोर किए हैं ठीक है एंड साथ ही साथ जिन लोगों के पास ऑलिव बोर्ड का सब्सक्रिप्शन नहीं है अगर आप लेना चाहते हो तो इस वक्त फ्रीडम फेस्ट करके ऑफर चल रहा है ठीक है ऑलिव बोर्ड पे क्योंकि लाइव मौका काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सल्यूशन नहीं मिलता है पेड हो गया है तो उसके लिए आपको मतलब परचेज़ करना ही पड़ेगा एंड साथ ही साथ आपको इस सिक्स मंथ का या ट्वेल्व मंथ का आप लेना चाहते हो आने वाले एग्जाम्स के लिए जो भी हमारे लगे हैं ठीक है तो उसके लिए भी आप ले सकते हो ठीक है इसमें आपको टू एक्स की वैलिडिटी भी मिल जाएगी यानी कि सिक्स मंथ के साथ सिक्स मंथ एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे एंड uh, साथ में आप कोड यूज़ कर लेना वी एस टेन तो आपको टेन परसेंट का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा जो चीज़ें अभी ऑफर में चल रही हैं उसके साथ भी ठीक है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वहाँ से जाकर आप परचेज़ कर सकते हैं एंड मॉक को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा ठीक है तो ऑल द बेस्ट थैंक यू एंड गुड नाइट